पंचवीर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस 14th फरवरी को रिलीज़ हो रहा है और आप ज़रूर देखिए, ऑल बालाजी एप्लीकेशन पे रिलीज़ हो रहा है और पॉप बॉलीवुड के जरिए मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच पॉप बॉलीवुड। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा एंड यू वॉचिंग पॉप बॉलीवुड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू डोंट, आई स्टिल लव यू। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग पॉप बॉलीवुड। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे एक्टर है जिन्होंने रियलिटी शोज से अपनी करियर की शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने सिंगल किया और अब वेब सीरीज के जरिए वो अपने फैंस को अपना दीवाना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सो गाइस, लेट्स वेलकम सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, हाउ आर यू? हेलो मैम, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले पंचवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंचवीर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस 14th फरवरी को रिलीज़ हो रहा है और आप ज़रूर देखिए, ऑल बालाजी एप्लीकेशन पर रिलीज़ हो रहा है और पॉप बॉलीवुड के जरिए मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच पॉप बॉलीवुड। ओके, इसमें कैसा आपका कैरेक्टर है और किस तरह का होने वाला है? सो मेरा कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो फिर आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है और मुझे बहुत मज़ा आया शूट करते हुए, बिकॉज दिस इज़ वन कैरेक्टर विच इज़ यू नो लाइक ट्रांसफॉर्म्ड माई फिजिकल एस्पेक्ट्स इन टू अनदर रणबीर चौधरी की, जो जैसे आप देख रहे हैं अब टीज़र रिलीज़ हुआ उसमें जैसे रणबीर चौधरी दिख रहा है। सो या एग्जैक्टली दैट वे, एंड इट्स सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज इट इज़ चेंज्ड माई लाइफ एंड हाउ। सो तो पंचपिट को शूटिंग करते वक्त क्या खास मेमरीज थे जो आप अपने फैंस से शेयर करना चाहते? पंचबीट शूट करते हुए आई थिंक हर एक सीन, हर एक शॉट, हर एक दिन बहुत ही मेमोरेबल था, एंड कोई एक दिन नहीं था जब मैंने अपना बेस्ट दिन ना दिया हो और जब मज़ा ना आया हो शूट करते हुए, बिकॉज आई थिंक इट वॉज लाइक अ फैमिली देयर एंड वी गाइस हैड अ लॉट ऑफ फन। ओके, आप स्कूल टाइम में किस तरह के स्टूडेंट हुआ करते थे? यार मैं तो बहुत शरारती था। आई थिंक मैं ना मेरे मुझे अलाउड था कह सकते हैं आप शरारत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ओबीडियंट था। जब मेरे काम की बात आती थी, मेरी पढ़ाई की बात आती थी, आई वुड स्कोर गुड, आई वुड लिसन टू माई मॉम एंड डैड, आई वुड बी लाइक यू नो वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन, एंड यस, सो कैन से कि जो भी मैं शरारतें करता था वो सब अलाउड था मुझे। ऑन सेट कितनी मस्तियाँ हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा मस्ती खोर कौन था? आई थिंक सभी हैं, और सबसे ज़्यादा नॉटी बोलूँ तो वो बच्ची है खुशी जोशी, जो भी स्कूल के जस्ट बाहर हैं, और वो ना मतलब वो थोड़ा बच्चों वाली शरारतें करती है, और मैं जो 23 का हो चुका हूँ, आई थिंक मेरी शरारतों का भी एज बढ़ गई और उसमें भी थोड़ी बहुत अब थोड़ी ज़्यादा मेचोरिटी आ गई कह सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस खुशी के साथ, विकास के साथ, प्रियांक के साथ और हर्षिता के साथ, कैसी थी आपकी बॉन्डिंग? सभी के साथ बहुत अच्छा रहा यार, और सब ने अपना बेस्ट दिया इसमें, एंड ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सभी की बहुत ही अच्छी रही है। मेरी खुशी की, मेरी प्रियांक की, मेरी हर्षिता की, मेरी विकास की, और सभी आपस में ना एक फैमिली की तरह है, तो इसलिए जो इससे ना ये ना थोड़ा कॉन्ट्रेक्टिंग हो जाता था, और ऐसा होता था कि हम सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो जब हम सीन करने के लिए जाते थे तो उससे पहले वी गाइज यू नो समटाइम्स बिफोर दैट वी गाइज वुड बी क्रैकिंग जोक्स एंड ऑल, एंड समटाइम्स यू नो वुड नॉट टेक आर वर्क लाइक रियली वेरी वेरी सीरियसली एंड जस्ट हैव फन। सो यार ओके, 3 वर्ड्स फॉर हर्षिता, खुशी और विकास के लिए, प्रियांक के लिए, तो आप क्या क्या बोल? आई थिंक ओके, 3 वर्ड्स हर एक के लिए, सब बहुत सारे हैं वर्ड्स सभी के लिए बोलने के लिए, लाइक सब क्योंकि सबको आई थिंक बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, एंड सबके साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स रहे हैं मेरे। सो आई थिंक विकास के लिए बोलूँगा मास्टरमाइंड एंड फैमिली। हर्षिता के लिए आई थिंक समबडी हु कैन लाइक अ लाइक इन यू कैन टेक हर एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड शी समबडी हु वुड बी देयर व्हेनेवर यू नीड हर। सो या खुशी भी ऐसी है कि बहुत प्यारी है, और आई थिंक ना आपको अगर आप देखोगे उसको तो आपको ना उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसे देखोगे यार ये कितनी मतलब कितनी क्यूट सी, यार ये बच्ची है और कितनी क्यूट है, क्योंकि वो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही आई थिंक हम सब में से एक वही थी जो यंगेस्ट थी, और सो सेम रीज़न के लिए आपको उससे ना मतलब आपको उससे बहुत प्यार आता है, आप उसे अडोर करते हो, यार ये क्या है मतलब ये क्या बातें कर रही है। सो यार
प्रियांक के लिए somebody who is very say smart and he knows how to play his cards right. So yes, and somebody who is like very much towards like, you know, his goal in life, what he wants to achieve. Okay, Siddharth, acting में interest आपको ऐसे कब लगा कि हाँ मुझे acting करनी चाहिए और मुझे अब ये है कि इसी field में अपना career बनाना चाहिए? I think बचपन से यार मैं I've always been into performing arts and I have always wanting to I've always wanted to be here where I am in life and so yeah I am very happy and I feel really blessed and be really very very thankful towards everyone who has been there for me and who has given me confidence, can say so, because like I really feel that, you know, whoever gave you confidence in life, you really owe your life to them. So yes. So यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या-क्या struggle करना पड़ा और कितनी difficulties आपको झेलनी पड़ी? Struggle तो नहीं कह सकते क्योंकि I mean I think I found my fire in that. जैसे मैं I think लाइफ में आगे बढ़ाऊँ तो आई थिंक उन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से बढ़ाऊँ, अगर आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत अगर अचीव किया है तो, अगर आप बोलते हैं तो. सो यस, सो स्ट्रगल के टाइम आई थिंक आई केम डाउन टू मुंबई, मैं यहाँ पे भाग के आ गया था एक्चुअली. माई मॉम डिड नॉट नो कि मैं यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आ रहा हूँ. मैं उनको बोल के आ गया था कि मेरी इंटर्नशिप है और मैं मुंबई आ गया एक्टिंग करने के लिए. मैं थिएटर कर रहा था और यहाँ पे ना सामने यशराज स्टूडियोज़ है, उसके जिस साइड में आप देखेंगे एक चंपक स्टूडियो के नाम से एक जगह. सो आई यूज्ड टू स्टे देयर एंड डू माय थिएटर. सो या तो अपने सॉरी तो अपने वेब सीरीज भी कर लिए और रियलिटी शोज भी कर लिए, तो बॉलीवुड में कब एंट्री कर रहे हैं आप? अब बॉलीवुड में यार मतलब अब एम वही है और आई मीन आई विल बी अनाउंसिंग थिंग्स वेरी वेरी शॉर्टली एंड right now it's just Panchbeat. I want to look forward to doing films because, you know, I really enjoyed working in Panchbeat. Ek hi character pe na apne pura saal kaam kiya hai aur ab jab log usko appreciate karte hain, so I think bahut satisfaction milta hai. Bollywood mein aapka idol kaun hai? Bollywood mein mera idol as a person, it's I think Ranveer Singh, Shah Rukh sir, अमिताभ जी. सो यस. ओके, सलमान खान की मूवी आने वाली है भारत और दबंग 3, तो कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई वुड रियली विश विनय सर एंड राधिका मैम ऑल्सो लाइक द वेरी बेस्ट फॉर इट बिकॉज आई गेस कि वो भी उसके सलमान भाई के सॉन्ग्स रिक करने वाले हैं एंड आई हैड ग्रेट फन वर्किंग विद देम एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड लव देम एंड आई थिंक आप जितने भी एक्टर्स होंगे ना विनय सर एंड राधिका मैम के, आप उनके पास अगर कभी भी जाओगे, कभी भी पूछोगे, आई थिंक सभी का उनके लिए बहुत प्यार रहेगा क्योंकि वो बहुत प्यार देते हैं आपको, आपको अपने बच्चे की तरह मानते हैं. सो यस. क्योंकि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको और आपके बेस्ट फ्रेंड को सेम लड़की पे क्रश आया, तो आपने कैसे डील की और कैसे मैनेज किया है? ऐसा हो चुका है. लाइक मैं तो बस ऐसे था मैं कि आई एम सॉरी, आई मीन दिस इज लाइक समथिंग दैट आई शुडंट हैव डन बिकॉज ऐसा हुआ था कि आई वॉज इन टेंथ दैट टाइम और मे बी नाइन्थ ग्रेड, टेंथ ग्रेड, या टेंथ ग्रेड. सो आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड दीपांश एंड दीपांश यू आर वॉचिंग दिस एंड डोंट टेल मी फॉर इट एंड आई एम सॉरी आई एम टेकिंग नेम्स बट इट वॉज दिस गर्ल इन द अदर सेक्शन एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉन्टेड कि मैं ना आई वॉज वेरी गुड विद राइटिंग एंड ऑल. सो आई यूज टू राइट पोइम्स. I'm sorry, I'm shy about it and I'm embarrassed about it. But then yes, in back in school, मैं poems लिखता था. So I wrote one for him and he asked me to go and give it to her. And so ऐसा हुआ कि अब मैंने जाके दिया तो she thought that ये मेरी तरफ से है क्योंकि वो भाई साहब उसमें अपना name लिखना भूल गए थे last time. और ऐसा हुआ कि उस लड़की ने आके और मुझे I love you और प्रपोज किया एंड आई वॉज लाइक टू एम्बेरस. आई वॉज लाइक आई एम सॉरी बट देन आपको मैं भाभी बोल सकता हूँ. सो यस. ओके, हर्षिता का मिर्जा, हर्षिता की मिर्ज़ापुर रिलीज हुई, क्या आपने देखी? अगर आपने देखी तो कैसी लगी? जी हाँ, मैंने देखी और बहुत ही अमेजिंग काम किया आई थिंक सभी एक्टर्स ने एंड हर्षिता ने भी बहुत ही अच्छा काम किया. सो आई वुड जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप इंस्पायरिंग पीपल.
ओके आपकी वैलेंटाइन डे के दिन पे रिलीज हो रही है आने वाली है सॉरी ओके तो 14 फेब को भी वैलेंटाइन डे है और 14 फेब से भी आपका ओके रिपीट कर दे ओके थैंक यू सो 14 तक से आपकी ये भी रिलीज होगी सॉरी कर सो 14 तक से पंचपिट भी आ रही है और 14 तक को वैलेंटाइन डे भी है तो कितनी स्पेशल है आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि प्यार का दिन है और पंचपिट भी प्यार के बारे में है फैमिली का प्यार दोस्तों का प्यार लड़के लड़कियों का प्यार और सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं तो फिर आपको भी शायद आई थिंक प्यार हो जाएगा सभी से और थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना प्लीज़ सो इस वैलेंटाइन डे आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको किस तरह से गिफ्ट्स मिले आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं लाइफ में ना थोड़ा मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी सरप्राइज एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी थिंग सो एक्सपेक्टेशंस इज समथिंग दैट समटाइम्स यू नो आप आई थिंक यू काइंड ऑफ जब वो उल्टी हो जाती है तो यू फील सैड सो आई डोंट वांट टू डू दैट आई वांट टू बी सरप्राइज एंड फील सरप्राइज आई मीन अगर आप मुझे बोल भी दोगे कि यू गाइस आर प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर मी मे बी और अगर कोई लड़की बोल भी देगी कि नो यू सेंडिंग फ्लावर यू सेंडिंग गिफ्ट्स फॉर मी मुझे पता भी होगा एंड देन इवन आई डोंट यू नो इग्नोर एंड नॉट कीप दैट इन माई माइंड एंड आई बी लाइक थैंक यू सो वैलेंटाइन डे को लेकर क्या प्रिपरेशन वैलेंटाइंस को लेकर प्रिपरेशन यही चल रही है कि पंचबीट की प्रमोशन में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोग विश कर रहे हैं कि ना सबकी आई थिंक जिसने भी हार्ड वर्क किया है इसमें सबका आई थिंक अब सक्सेस का टाइम है सो इट कम्स आउट राइट एंड पीपल आर हैप्पी वॉचिंग इट एंड पीपल लोरी अप्रिशिएट इट एंड पीपल हैव स्माइल ऑन देयर फेसेस इन द गेम गेट एंटरटेन बिकॉज द आइडिया माई आइडिया हैज जस्ट बीन दैट सो यस आपके लिए प्यार और वैलेंटाइन डे कितने मायने रखता है बहुत मायने रखता है आई थिंक जहाँ पे अगर प्यार नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा जिंदगी नहीं है और जिंदगी नहीं है तो फिर हमने रुकनी नहीं है ओके तो इस वैलेंटाइन डे आप अपने फैंस को क्या कहना चाहिए प्यार है बेशुमार है तुम लोगों से बहुत ज़्यादा है थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके सिद्धार्थ आपकी जो सॉन्ग थी ले जा रहे इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है बहुत ही कम समय बहुत मिलियंस व्यूज़ मिले हैं और आप इस वक्त इतने कम एज में यंगस्टर्स के बहुत बड़े ये हो गए हैं एक आइडल हो गए लोग आपके साथ बनना चाहते हैं लोग आपके फ़ैन हो गए तो इसके बारे में क्या कहेंगे मैम आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मेरी लेकिन व्हाटएवर यू सेड फॉर मी आई आई फील वेरी हैप्पी और आई थिंक यू नो आई डोंट रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस और यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड सो या मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में एंड मुझे तो ना आई एम सॉरी बट देन आई काइंड ऑफ फील शाय व्हेन पीपल से दिस आई आई डोंट नो सो या इट्स समथिंग अमेजिंग एंड इट्स समथिंग लाइक दैट ऑफ कोर्स लाइक आई लव फ्रॉम इनसाइड बट देन रियली मैं ऐसा हो जाता हूँ कि ओके हाउ डू रिएक्ट टू इट सो यस फाइनली अपने फैंस हो गया उनको मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक यू गाइस एंड just keep watching keep getting entertained and I work hard every day to you know, like give you smiles and I get smiles in return so yes thank you